अब अंबाला से खबर का रुख करेंगे जहां पर करंट लगने से बुरी तरह से दो कावड़िए झुलस गए हैं। हाई वोल्टेज तार से कावड़ के टकराने से यह हादसा हो गया है। चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किए गए हैं दोनों कावड़िए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो करंट लगने से दो कावड़िए बुरी तरह से झुलस गए हैं। हाई वोल्टेज तार था जिससे कावड़ टकरा गया और यह हादसा हो गया। चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है इन दोनों कावड़ियों को। बताया जा रहा है कि इन दोनों कावड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है, हालांकि अस्पताल में इलाज जारी है। हाई वोल्टेज तार से ये टकरा गए, इनका कावड़ टकराया, जिसके बाद ये दोनों कावड़िए करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया है, इलाज किया जा रहा है अस्पताल में, लेकिन दोनों की ही हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो हाई वोल्टेज तार से कावड़ के टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है और ऐसे में कावड़ियों की जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो भी सामने आया है। दरअसल ये कावड़ की जो ऊंचाई थी वो काफी ज्यादा थी और इनका कहना है कि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में थे तो वहां की सरकार की तरफ से जो ज्यादा ऊंचाई वाले, ज्यादा हाइट वाले कावड़ हैं, जब वो ले जाए जा रहे थे तो तारों की व्यवस्था की गई थी, तमाम जो बिजली की तारे हैं उनकी जानकारी दी गई थी कि कहां पर ज्यादा ऊंची हैं और कहां पर ये तारे नीची हैं, तो वहां पर संभल के चलने की जरूरत थी। लेकिन अभी जब ये रास्ते में जा रहे थे तो अंधेरा था उस समय और हाई वोल्टेज तार कावड़ियों को नजर नहीं आई और उसकी चपेट में आने से दो कावड़िए बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है।